चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? भारतीय ऑप्शन है 395, 352, 354, 345। तो इसका ये करेक्ट आंसर है 395। हमारे भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, कितने? 395। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? भारतीय संविधान में कुल कितने भाग है? तो ऑप्शन ए जाता हमारा 22, ऑप्शन ए 22, 12, 25, 15। तो भारतीय संविधान में कुल कितने भाग है? तो 22 भाग है। कितने भाग है? 22 भाग है हमारे भारतीय संविधान में 22। अगर मूल संविधान की बात करता तो मूल संविधान में हमारे कितने भाग थे? 12 भाग थे। और इस समय कितने हैं? 22 भाग है हमारे। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। हमारा भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, जापान। तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए ऑप्शन अमेरिका। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका से। ठीक, अब हमारा अगला क्वेश्चन आ जाता है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कहाँ से ले गए? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कहाँ से ले गए? अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस। तो अब भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए हैं। भारतीय मौलिक कर्तव्य रूस और मौलिक अधिकार अमेरिका। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आ जाता है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व होते हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देश सकता तो कहाँ से ले गए? ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, आयरलैंड, अमेरिका। तो हमारे ले गए आयरलैंड से। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? 8, 12, 14, 22। तो इस समय हमारे भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं। और मूल संविधान की बात करता तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? 8। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, भारतीय संविधान को लिखने में कुल कितना समय लगा? भारतीय संविधान को लिखने में कुल कितना समय लगा? ऑप्शन ए 2 साल 11 महीने 8 दिन, 2 साल 11 महीने 18 दिन, 2 साल 12 महीने 18 दिन, 2 साल 12 महीने 8 दिन। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 2 साल 11 महीने 18 दिन, 2 साल 11 महीने 18 दिन। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 26 जनवरी 1950, 9 दिसंबर 1946, 15 अगस्त 1947 और 11 दिसंबर 1946। तो 9 दिसंबर 1946 को सबसे पहली बैठक हुई थी। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, भारतीय संविधान को अपनाया गया था, मतलब जो भारतीय संविधान है वो किसके द्वारा अपनाया गया था? ए ऑप्शन संविधान सभा द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, भारतीय संसद द्वारा। तो किसके द्वारा अपनाया गया था हमारा भारतीय संविधान? संविधान सभा द्वारा। किसके द्वारा? संविधान सभा द्वारा। अब हमारा अगला क्वेश्चन आ जाता है, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था? भारत की संविधान सभा ने सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था? 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1950, 15 अगस्त 1950, 26 जनवरी 1950। तो इसका कौन सा क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा? 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947 को हमारे क्या अपनाया गया था? राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।